नमस्कार, मैं अनिल शर्मा हूँ। आप में से बहुत लोग मुझे जानते होंगे, तो मैं अपने विषय बहुत ही संक्षेप में बताऊंगा जो शायद मेरे विषय में न जानते हो। मैं यहीं का मूल निवासी हूँ, यहीं का पढ़ा हुआ हूँ KNPG से, और लगभग पिछले 20 सालों से मैं बाहर रह रहा हूँ, अमेरिका, लंदन। इस समय लंदन में हूँ, लेकिन यहाँ से हमेशा जुड़ा रहा। एक दिल में हमेशा एक डर सा रहता है, क्या करूं कि क्या परिवर्तन हो जाए। इसलिए साल में दो दो तीन तीन बार आता हूँ यहाँ पे। मैं ऐसा क्या करूं अपने क्षेत्र के लिए, क्या करूं कि ये क्षेत्र बदले। जो जो पीड़ा होती है, उस पीड़ा का मैं वर्णन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जैसा संजीव जी भी पहले बता रहे थे कि कमी हमारे आप में नहीं है, हम आप लोग के हमारे आप जैसे लोग ही जो बाहर जाते हैं, हम लोग बहुत कुछ करते हैं, एकदम अव्वल दर्जे पे रहते हैं। ऐसा क्या है कि हम यहां नहीं कर पाते? ये क्यों स्थिति हमारी ऐसी है? बिजली के बारे में बताया, मैं अपने जिस घर में रहता हूं, नए घर में लंदन में, 7 साल हो गए इस घर में गए हुए, एक सेकंड के लिए बिजली नहीं गई है। 7 सालों में एक सेकंड के लिए कभी बिजली गई नहीं है। बल्ब फ्यूज हो जाए वो बात अलग है। तो शायर अकेडमी भी मैंने चलाया और बहुत सारी चीजें सोचा कि ये करूं। गांव में फिर लाइब्रेरी भी खोली है, फिर लाइब्रेरी, होम्योपैथी का फ्री क्लिनिक भी चलता है। तो जब गहराई से विश्लेषण किया चीजों का कि समस्या क्या है, कोई भी समस्या ले लीजिए, गरीबी से ले लीजिए, शिक्षा से ले लीजिए, स्वास्थ्य से ले लीजिए, प्रदूषण से ले लीजिए, भ्रष्टाचार, सब चीज, इन सब की जड़ अगर आप थोड़ा सा भी गहराई से विश्लेषण करेंगे तो ये पाएंगे जड़ है राजनीति। ये कटु सत्य है, जड़ है राजनीति। राजनीति अगर समस्या राजनीति में है तो उसका सलूशन है, समाधान जो है वो भी राजनीति से ही निकलेगा। ये समझ में आ गया मुझे आज से लगभग 10 साल पहले, ये समझ में आ गया। फिर ये भी पता था अकेले कुछ नहीं कर सकते, पिछले 10 साल लगे हैं एक टीम इकट्ठा करने में, ऐसे लोग इकट्ठा हुए भारत भर से। हम लोग ये हुआ कि हम केवल अकेला अकेले खड़े होके वो नहीं कर सकते हैं। एक ऐसी टीम खड़ी हुई है जो कि इस राजनीतिक पहल को, जिसका नाम है स्वर्ण भारत पार्टी, ये 10 साल पहले पार्टी नहीं बना ली थी, ये पार्टी केवल मात्र 2 साल पहले बनी। लेकिन इसके पहले हम लोगों को इकट्ठा करते रहे जो हमसे ये सहमति रखे कि हाँ समस्या यहाँ राजनीति। एक हमने बहुत बहुत लोगों को साथ मिलाने का प्रयास किया। आम आदमी पार्टी, जिसकी विषय में आप लोग जानते होंगे, दिल्ली में बहुत सारे हमारे नेता होने भी है, लेकिन हमें उनकी नीतियां हमें मालूम है, वो गर्त में ले जाएंगे, कांग्रेस से भी खराब करेंगे। वो कर रहे हैं, वो आपके सामने आ गया और आएगा। राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए हमारा मानना है, मेरा मानना है, 3 चीजों की आवश्यकता है जो किसी पार्टी में मेरी एक दिख सकती है लेकिन तीनों कभी नहीं मिली। 3 क्या है? पहला, और नेतृत्व। नेतृत्व कैसा होना चाहिए? वो जो कि और नेता बनाए, न कि फॉलोअर बनाए। नेतृत्व अच्छा हो, नियत अच्छी हो, नियत में खोट ना हो। नियत तो बहुत लोग हैं भाई, हम तो सब अच्छी नियत से ही काम कर रहे हैं, लेकिन या हो सकता है वो नेतृत्व में फेल हो रहे हैं। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है, नीतियां।
नीतियों में गारंटी देते हैं। आज के समय में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो सही नीतियां दे, क्योंकि अंततः नीतियां ही भारत को बदलेंगी। नेतृत्व, नियत और नीतियां, इन तीनों का जब समावेश होगा तभी भारत बदलेगा। और स्वर्ण भारत पार्टी वो काम कर रही है, वो उस आधार पर बनी है। उस आधार का नाम है आजादी, जो कि व्यक्ति को, जो हमारी आप सबसे पहले चीजें कहां से शुरू करें इस दुनिया में, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, कोई बताए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आप बताइए, थोड़ा सा आदर का होना चाहिए, बताइए आप क्या लगता है सबसे महत्वपूर्ण क्या है इस दुनिया में? कोई है? सम्मान, और कोई फ्रीडम, और कोई, और आजादी, और कोई सुरक्षा, सुरक्षा। सबसे पहले जान, मैं ना रहूं, आप ना रहे, क्या आपका भाई, आपका पड़ोसी, आपके माँ बाप, ये देश, ये धर्म, ये भगवान किसी काम के? कुछ भी काम का नहीं है। आप पहले, आप जान, जान से पढ़ के कुछ नहीं, जान की कीमत सबसे पहले आनी चाहिए, लाइफ। और अपने देश में जान की कीमत नहीं है साहब। आप चले जाइए सड़कों पे, छोटे बच्चों को देखिए, अपने घर बच्चों को देखिए, मुरझाए नीचे रहे, और वो अगर जो जी भी रहे, वो कैसे जी रहे? क्या होता है भाई, मरो तो एक साथ मर जाओ, अच्छा है यार, मर गए, खत्म हो गए, रोज मरो। यहां हम रोज मरते हैं, वो नहीं। और ये ऐसी जरूरत है, इसका समाधान ये नहीं कि 2 साल 10 साल, वो नहीं, आज और अभी। और वो शुरुआत स्वर्ण भारत पार्टी से हो चुकी है। मैं बाहर हूं, मुझे यहां आके धक्के खाने की जरूरत नहीं है, मैं लंदन में रह सकता हूं बहुत आराम से, घर है, नौकरी है, गाड़ी है, बंगला सब कुछ है, संजीव जी इनके पास, आलोक जी ये रह के आए, सबके पास, और भी हमारे साथ बहुत लोग हैं। तो ये शुरुआत हो चुकी है, हम चाहते हैं आप लोग हमसे जुड़े और हमसे प्रश्न करें। आप, ये मीटिंग हमने इसलिए बुलाई है कि हम आपको सुनना चाहते हैं, आप बताएं। तो यूपी में शुरुआत जो है वो हो चुकी है, आलोक कुमार सिंह जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो इस पार्टी की नींव ऑलरेडी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रख चुके हैं, किसानों की समस्याओं को लेके। तो आलोक सिंह जी इस विषय में और स्वर्ण भारत पार्टी के विषय में आपको और आगे बताएंगे। तो आलोक जी, आप स्वार्थी हैं कि हम वहां जाकर वहां की
उस व्यवस्था का भोग भोगना चाहते हैं, लेकिन हम अपने देश में उसे ठीक नहीं करना चाहते। तो ये चीज जो है मेरे मन में बहुत मुझे चोट पहुंचा रही थी, और तब मुझे लगा कि मेरे जो साथी हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे समाज के लोग हैं, मेरे देश के लोग हैं, मुझे अपना जीवन इस कार्य में ही लगाना है, क्योंकि जितने हमारे देशभक्त लोग जो फांसी पर लटके, क्या वो इस दिन को देखने के लिए लटके थे? ये सबसे अहम सवाल है। और दो चीजों ने मुझे त्राही त्राही कर दिया। दो ऐसे पाप हैं इस देश में जिसकी वजह से ये पार्टी बनाने की जरूरत आन पड़ी। ऐसे दो बड़े पाप हो रहे हैं इस देश में। पहला महापाप, अंग्रेजी में कहते हैं वेस्टेड पोटेंशियल, यानी कि यहां की क्षमताओं का विनाश। जिस बच्चे ने एक गरीब घर में जन्म ले लिया, उसका भविष्य समाप्त, उसकी क्षमताएं समाप्त। उसकी बेचारी की क्या गलती है, उसने ऐसे गरीब घर में जन्म लिया, लेकिन उसमें वो क्षमताएं हैं कि वो नारायण मूर्ति बन सकता है, उसमें वो क्षमताएं हैं कि वो अब्दुल कलाम बन सकता है, उसमें वो क्षमताएं हैं कि वो आर्यभट्ट बन सकता है, लेकिन हमारे सिस्टम में उसकी सारी क्षमताओं को खत्म कर दिया है। और दूसरा महापाप इस देश में जो हो रहा है वो है अवॉइडेबल सफरिंग, यानी कि किसी को भी यहां पीड़ित होने की जरूरत नहीं है। इतने संसाधन से लैस है ये देश, किसी भी आदमी को यहां पीड़ित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर पीड़ित किसी को आवश्यकता है होने की, तो वो बुढ़ापा है, क्योंकि बुढ़ापे के ऊपर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। तो जब हमारे पास इतने संसाधन है, लंदन में एल्यूमिनियम नहीं होता, इंग्लैंड में लोहा नहीं होता, इंग्लैंड में कॉपर नहीं होता, वहां गैस नहीं होती, वहां पेट्रोल नहीं होता, वहां हीरे नहीं होते हैं, वहां खेती भी नहीं होती है जैसी हमारे यहां होती है। इतने संसाधन, 120 करोड़ लोग, एक से एक ब्रेन, एक से एक दिमाग जो बाहर जाके जो है अमेरिका में विस्फोट कर देते हैं पूरी दुनिया में, कि इनसे बेहतर कोई समुदाय नहीं है पूरे विश्व में, ऐसे भारतीय हैं, लेकिन हम अपने देश में पीड़ित हैं। इसलिए एक ऐसे संगठन की आवश्यकता आन पड़ी, क्योंकि हम और सहन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पाप का घड़ा भर चुका है। आप सब जानते हैं कि आप सब लोग तैयार हैं, मैं जानता हूं सब लोग तैयार हैं, लेकिन एक लीडरशिप को तैयार होने की जरूरत है। यहां के जो लोग हैं वो फर्स्ट क्लास सिटीजन हैं दुनिया के, मैं बताऊं दुनिया में दूसरा नंबर है हमारे ईमानदारी में। एक वर्ल्ड सर्वे में हुआ निकला है, दुनिया का सर्वे हुआ, तो जब इतने फर्स्ट क्लास सिटीजन हैं, उनको थर्ड क्लास लीडर्स उनके ऊपर शासन कर रहे हैं, थर्ड क्लास क्रिमिनल्स जो कि जो है अपराध में हैं, जिनके ऊपर बलात्कार के उनके ऊपर हुए हैं, क्या हमें कुछ बदलने की जरूरत नहीं है? क्या हमें सोचने की जरूरत नहीं है अपने जमीन से कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों इसमें हिस्सा ले रहे हैं? मैं चार पंक्तियां कहूंगा, गए फिरंगी उड़ा तिरंगा आजादी है आई, गए फिरंगी उड़ा तिरंगा आजादी है आई, लेकिन अभी निर्माण शेष है करनी नई लड़ाई। मांग रहा बलिदान आपसे आज देश यह झुककर, मांग रहा बलिदान आपसे आज देश यह झुककर, करें समय अनुभव और ज्ञान का आप विस्तार आगे बढ़कर, आप दान आके आगे बढ़कर, आपको समय देना होगा, आपको अनुभव देना होगा, आपको ज्ञान देना होगा। ये देश मांग रहा है आपसे झुककर, आप उठेंगे तभी उठेगा क्रांति का लश्कारा, आप उठेंगे तभी उठेगा क्रांति का लश्कारा, गर्म जोश से आगे बढ़ेगा हिंदुस्तान। आज की स्थिति इतनी बदतर है कि शिक्षा, सड़क, हमारी रोडवेज, हमारे हवाई जहाज, हमारे रेलवेज, एक हम फर्स्ट क्लास लोगों को थर्ड क्लास सिस्टम मिलते हैं, इसलिए मिलते हैं क्योंकि सारा का सारा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। इस सिस्टम से अगर हमें मुक्त होना है,
इस सिस्टम से को अगर हमें बदलना है तो हमें ये इच्छा शक्ति करनी होगी, हमें दृढ़ संकल्प करना होगा। आज आपके सामने वो टीम खड़ी है, आज आपके सामने वो टीम बन चुकी है, और ये टीम एक साल का प्रयास नहीं है, ये हमारे माननीय संजीव जी का 20 साल का प्रयास है। और 20 साल के बाद इस साल हम ये कह सकते हैं कि हम एक ऐसा मंच तैयार कर रहे हैं जिसका नाम है उदारवाद सोच। आपने समाजवाद को देखा, आपने और दुनिया भर की चीजों को देखा है, लेकिन आपने उदारवाद सोच को नहीं देखा। और इस देश में ये दुर्भाग्य है कि यहां उदारवाद नाम को भी लोग नहीं जानते। उदारवाद को वो सोचते हैं कि ये पूंजीपति लोग हैं, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। पूंजीपति जो पूंजी का जो ये इस समय गलत हो रहा है वो ये हो रहा है कि 5 लोगों को देश के संसाधन दिए हुए हैं पूरे, और वो पूरे देश की लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन जिस मॉडल की हम बात कर रहे हैं उसमें 1 करोड़पति नहीं होगा, 5 करोड़पति नहीं होंगे, उसमें 50 करोड़पति होंगे। वो एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी सोच है जिसमें हर एक को बराबर का मौका मिलेगा, जिसमें बराबर की नौकरियों का मौका मिलेगा, बराबर की स्वास्थ्य सेवाओं का मौका मिलेगा, और सिर्फ किसी की जान पहचान से कि भाई मेरी जान पहचान है आपसे, इसके आपको मौका मिल जाता है। ऐसा सिस्टम नहीं है, वो भ्रष्टाचार का सिस्टम नहीं है। क्या हमारी शिक्षा प्रणाली ने जो आदमी बनाने के लिए, चरित्र निर्माण करने के लिए क्या वो एलिमेंट्स हैं? हमारे बच्चों को जो शिक्षा है जो गांव में है वो शिक्षा में और दिल्ली की शिक्षा में बहुत अंतर है। जो दिल्ली की शिक्षा ले रहे हैं लोग वो कौन लोग हैं? बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ने वाले, वो हमारे मंत्रियों के बच्चे हैं, वो हमारे सांसदों के बच्चे हैं जो बाहर जाके पढ़ते हैं विदेशों में, और हमें वो स्वास्थ्य की अगर आप बात करें तो स्वास्थ्य की सेवाएं सबको चाहिए, लेकिन अगर यहाँ आज किसी भी व्यक्ति को कोई गहरी गंभीर समस्या हो जाए तो आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, ऑल इंडिया मेडिकल। क्यों? जब इस देश के पास इतनी क्षमताएं हैं, इतने बड़े बड़े डॉक्टर इसने तैयार किए हैं कि वो अमेरिका में भी धूम मचा रहे हैं, यूरोप में धूम मचा रहे हैं, तो हमारे पास हमें जो है स्वास्थ्य के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। कुल मिलाकर हमारी सरकार का रोल क्या है वो हमें समझना होगा। क्या सरकार का काम सड़क बनाना है? क्या सरकार का काम रेल चलाना है? क्या सरकार का काम सड़क के रोडवेज बस चलाना है? जो सरकार का काम है वो उसको करना होगा, जो उसका काम नहीं है वो उसको छोड़ना होगा। तो हमें पहले ही उदारवाद सोच के साथ ये समझना होगा गंभीरता के साथ कि ये उदारवाद सोच है क्या, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि ये पहली बार उदारवाद सोच का बीज हिंदुस्तान में बोया जा रहा है। इससे पहले ये बीज स्वतंत्र पार्टी ने बोया था आज से 40 साल पहले। वो पार्टी सत्ता में आने वाली थी कि उसमें जो है कुछ करारें पड़ी और जो है जनता पार्टी में विलय हुआ, और फिर ये लोग वो काम नहीं कर सके जिस महान भारत के स्वप्न का उन्होंने सपना देखा था, महान भारत का, विश्व गुरु देश का, वो पूरा नहीं हो सका और उसको हमें पूरा करना है। तो इस महान उद्देश्य में क्या हमें आपका साथ मिलेगा, यही मेरा प्रश्न है। हमें कैसा देश बनाना है वो आप डिसाइड करेंगे, आप उसे निर्णय करेंगे कि ऐसा हमें देश बनाना है तो हमें ऐसे लोग चाहिए। अगर हमें वैसा देश बनाना है जैसी आज स्थिति है, वो भी निर्णय आप ही कर रहे हैं। दो चीजें महत्वपूर्ण हैं, पहली इंटीग्रिटी, बेहद ईमानदारी, अटूट ईमानदारी, और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कमिटमेंट। आपने अगर किसी चीज को ले लिया तो आप उसे पूर्ण करके हमें, तो ऐसे लीडर्स हमें तैयार करना है। हमें एक आदमी तैयार नहीं करना है, हमें एक केजरीवाल नहीं तैयार करना है, हमें एक मोदी जी तैयार नहीं करना है, हमें एक राहुल गांधी जी तैयार नहीं करना, हमें टीम तैयार करनी है। और कैसी टीम? जैसी स्वतंत्रता संग्राम के समय पे अगर महात्मा गांधी को हटा दें तो जो है
लाल बहादुर ये सुभाष चंद्र बोस आने, सुभाष चंद्र बोस को हटाए शेरविंद घोष आने, शेरविंद घोष को हटाए तो सरदार पटेल आने, सरदार पटेल को हटाए तो बाल गंगाधर तिलक आ जाए, एक लाइन ऑफ लीडर्स, ऐसी एक टीम होने चाहिए। तो आगे इसका बहुत अच्छे तरीके से ये क्या है उदारवाद सोच, इसमें क्या गहराई है, ये क्या करना चाहती है, इसके बारे में विस्तार से जो है हमारे मुख्य अतिथि जो है आज संजीव जी बताएंगे और मैं जो है उन्हीं को मैं सुनूंगा।